नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, इकोनॉमिक्स लेक्चर की आखिरी सीरीज है ये। चार लेक्चर हम लोगों ने इस पर बनाए हैं और दो लेक्चर आप देख चुके हैं, तीसरा लेक्चर आज आपने सुबह 12:30 बजे देखा और बहुत प्यार मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे मेंस दे रहे हैं, भले ही उनकी संख्या कम है, लेकिन वो लगातार हमसे जुड़ रहे हैं और लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसका हम आभार व्यक्त करते हैं। और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज अंतिम लेक्चर एक छोटा सा टॉपिक है, निर्धनता और बेरोजगारी, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, यदि निर्धनता और बेरोजगारी की बात करें तो इनका चोली दामन का साथ है। यदि बेरोजगारी है तो निर्धनता है और निर्धनता है तो बेरोजगारी है, यानी एक दूसरे के कारण और एक दूसरे के कारक है, यानी कॉज इफेक्ट दोनों का एक ही है। तो आप देखेंगे यदि निर्धनता की हम लोग बात करें और बेरोजगारी की बात करें, and unemployment are connected with each other। और जो हमने राजकोषीय नीति देखी, जो हमने मौद्रिक नीति देखी, तो खासकर जो राजकोषीय नीति होती है जिसमें के अंदर बजट बनता है, तो वो बजट चाहता है कि संसाधनों का समुचित वितरण हो, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का समुचित वितरण। ठीक, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहते भी हैं संविधान में कि भाई जो रिसोर्सेस हैं उनका बराबर से वितरण होना चाहिए। बराबर से कहने का मतलब यह है कि भाई जो गरीब है, बीपीएल है, उसको उसके हिसाब से, जो एपीएल है उसको उसके हिसाब से मिलना चाहिए। तो आपने कई बार देखा होगा कि बीपीएल को ज्यादा चावल मिलता है कम रेट पर, एपीएल को थोड़ा सा कम चावल मिलता है थोड़े से ज्यादा रेट पर बीपीएल से, बट अदरवाइज दोनों को अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो इक्विटेबल का मतलब यहाँ इक्वल नहीं है, इक्विटेबल का मतलब है कि जितनी जिसकी आवश्यकता उस हिसाब से वितरण किया जाए, यही समुचित वितरण है, यही इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। चलिए, इसके अंतर्गत यदि हम लोग देखें तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ बेरोजगारी में परिभाषा पूछी हुई है, फिर एक निर्धनता के दुष्चक्र की बात की हुई है जिसको हम विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी कहते हैं, फिर कुछ कार्यक्रमों की बात की गई है। तो ध्यान से सुनेंगे, निर्धनता का जो दुष्चक्र है वो क्या कहता है, एकदम इजी है। देखिए, निर्धनता का दुष्चक्र कहता है कि निर्धनता अर्थात आय में कमी, पॉवर्टी लीड्स टू लैक ऑफ इनकम। यदि व्यक्ति निर्धन है मतलब उसकी आय नहीं है, ठीक है, या नहीं के बराबर। आय कैसे प्राप्त होती है, या तो आप वस्तु का उत्पादन करेंगे, आइदर यू विल प्रोड्यूस गुड्स और यू विल प्रोड्यूस सर्विसेज, तो या तो आप वस्तु का उत्पादन करेंगे या तो सेवा का उत्पादन करेंगे, तो आय में कमी पैदा होती है, सिक पैदा होती है उत्पादन में कमी। उत्पादन में जब कमी पैदा होती है तो इससे पैदा होती है कमी निवेश में, कमी, lack of investment, lack of income leads to lack of production leads to lack of investment leads to निवेश में कमी। यदि निवेश करने के लिए पैसे नहीं होंगे तो फिर बचत करने के लिए भी पैसे नहीं होंगे, यानी निवेश में कमी बचत में कमी को जन्म देती है और बचत में कमी वापस से संसाधनों की कमी को पैदा करती है और संसाधनों की कमी फिर से उत्पादन में कमी को पैदा करती है और उत्पादन में कमी वापस से निर्धनता की ओर जाती है। यही है निर्धनता का दुष्चक्र। इसको एकदम सामान्य भाषा में, बुकिश लैंग्वेज में नहीं देखना है। पॉवर्टी लीड्स टू लैक ऑफ इनकम लीड्स टू लैक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आइदर गुड्स और सर्विसेज, lack of production leads to lack of investment leads to lack of saving leads to lack of resources again lead to lack of production which leads to poverty। ठीक, यही बीच में यहाँ ये भी डाल सकते हैं, उत्पादन में कमी वापस से आय में कमी को जन्म देती है और आय में कमी ही कारण है निर्धनता। देखिए, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब है, ये कहा था रेगनर नर्थसेन, याद रखेंगे रेगनर नर्कसे, ये एक व्यक्ति हुए जिन्होंने परिभाषा दी है किसकी, गरीबी के दुष्चक्र की, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो रेगनर नर्कसे हैज गिवन द डेफिनेशन ऑफ विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी।
ठीक है। तो ये निर्धनता का दुष्चक्र है, डेग्नर नर्से का ये कथन है कि एक व्यक्ति, अ मैन इज पुअर बिकॉज ही इज पुअर, एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वो गरीब, क्योंकि वो व्यक्ति गरीब है तो इसके पास आय नहीं है, इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है, तो वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो गरीब, एक चाय का ठेला खोलना चाहता है, लेकिन चाय का ठेले खोलने के लिए भी कम से कम 2,000 से 3,000 रुपए की जरूरत है, वो भी उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो उत्पादन में कमी होती है, उत्पादन में कमी होती है तो उसके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं है, जब निवेश करने के लिए पैसा नहीं तो बचत करने के लिए पैसा नहीं है, जब बचत नहीं होगी तो वापस से संसाधनों की कमी होगी जो उत्पादन में कमी लाएगी, जो अगेन आय में कमी लाएगी। एक व्यक्ति गरीब है क्योंकि वह गरीब है, रेगनर नक्स ने कहा था, यही कहलाता है निर्धनता का दुष्चक्र। तो निर्धनता से संबंधित ये बहुत इंपॉर्टेंट धारणा है, इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद यदि हम लोग देखें तो बेरोजगारी के संबंध में, अनएम्प्लॉयमेंट के संबंध में दो तीन डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। जैसे एक है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। हमने देखा होगा कि वर्ष के कुछ महीनों में, जैसे हम किसान की ही बात करें तो किसान वर्ष के कुछ महीनों में खेती करता है 6-7 महीनों तक, और बाकी जो महीने होते हैं वो उसमें खाली होता है। तो जो गैर कृषि दिवस है, नॉन एग्रीकल्चर डेज है, गैर कृषि दिवस जिस समय वो खेती नहीं करता, इसी के लिए गैर कृषि दिवसों में मिनिमम 100 दिन की गारंटी, यानी रोजगार गारंटी, मिनिमम 100 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करती है फ्लैगशिप योजना जिसका नाम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा जिसके नाम से आप जानते हैं। ठीक है, तो गैर कृषि दिवसों में जब कृषि नहीं हो रही है तो नॉन एग्रीकल्चर डेज में क्या करना है, कम से कम 100 दिन की रोजगार की गारंटी है हर एक परिवार के एक सदस्य को। तो ध्यान रखेंगे हर एक परिवार के एक सदस्य को। तो ये गांव के अंदर आप देखिए कि कैसे मौसमी बेरोजगारी को दूर कर रही है मनरेगा योजना, तो आपको ऐसे लिंक करके पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद यदि हम लोग देखें तो एक बेरोजगारी गांव में और खासकर कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, जैसे मौसमी बेरोजगारी भी तो कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है, जिसको हम लोग कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती है या छिपी हुई, अदृश्य या छिपी हुई, छिपी हुई को कहते हैं प्रच्छन्न, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी इंग्लिश में इसको कहते हैं, इसको कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक सीजन में व्यक्ति बेरोजगार रहता है, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहने का मतलब कि देख के तो लगेगा कि भाई लोग काम कर रहे हैं लेकिन वहां पर उतने लोगों की आवश्यकता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक खेत है, एक परिवार खेत में काम कर रहा है, उस खेत में मान लीजिए 8 लोग काम कर रहे हैं एक ही परिवार के, वहां 8 लोगों की आवश्यकता ही नहीं, पर 8 लोगों के होने से ऐसा नहीं कि कोई काम जल्दी हो जा रहा है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही, कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। यदि 4 लोग भी काम करते तो उत्पादकता वही होती, प्रोडक्टिविटी वही होती। कहने का मतलब यह है कि जो 4 लोग हैं काम तो करते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन छिपे हुए रूप से ये व्यक्ति भी क्या है, बेरोजगार है, क्योंकि इनके आने से उत्पादकता नहीं बढ़ रही है। चलो भाई ऐसा हो रहा है कि भाई आज 10 क्विंटल धान हो रहा है तो कल 20 क्विंटल हो, 15 क्विंटल हो, ऐसा कुछ भी नहीं, उतना ही धान हो रहा है, कोई उत्पादकता नहीं बढ़ रही, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई उत्पादकता निर्भर करती है किस पर, जमीन पर, तो जमीन तो उतनी है और उस जमीन पर पर्टिकुलर 4 लोगों की आवश्यकता है लेकिन वहां पर 8 लोग काम कर रहे हैं, यानी आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में संलग्न है, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग, आवश्यकता से अधिक लोग, मोर देन रिक्वायर्ड पीपल आर वर्किंग, इसको कहते हैं हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से सुनेंगे, तो ये जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, बार बार देखेंगे कि यहां से क्वेश्चन पूछता है अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के पूछता है। यहां पर पूछा है अदृश्य बेरोजगारी, है ना, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बाद में इसके बाद में आप देखेंगे कभी एक बार पूछा हुआ है प्रच्छन्न बेरोजगारी करके। तो ये अदृश्य बेरोजगारी, ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ये दोनों एक ही है, आप ध्यान रखेंगे। इंग्लिश में इन दोनों को क्या बोलते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। एक आप और देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, देखिए कि अधोसंरचना की कमी से संरचनात्मक बेरोजगारी, अधोसंरचना की कमी से ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यदि अधोसंरचना की कमी की वजह से बेरोजगारी है तो इसे कहा जाता है संरचनात्मक बेरोजगारी। जैसे हमको देखने को मिलता है खासकर हमारे उद्योग क्षेत्र के अंदर, उद्योग क्षेत्र के अंदर, आज भले ही हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम स्किल इंडिया की बात करते हैं, हम स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आप देखेंगे तो उद्योग क्षेत्र में अधोसंरचना का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा विकास किए जाने की आवश्यकता है। हम आज भी
अपनी आवश्यकता का बहुत सारा सामान, बहुत सारी वस्तु और सेवा बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इसका सबसे प्राइम एग्जांपल है आप और मैं जो मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं। मतलब 0.001% चांस होगा कि आप में से जो वीडियो देख रहा है या फिर मैं या हम में से कोई और एकदम प्योर इंडियन मोबाइल यूज कर रहा होगा। हो सकता है एकदम परसेंट कम चांस है, लेकिन हम लोग जो मोबाइल यूज कर रहे हैं सारे के सारे बाहर के, और हम लोग भी मजबूर हैं क्योंकि इंडियन कंपनीज ने जो ट्राई किया वो मार्केट में टिक नहीं पाई, वो क्वालिटी नहीं दे पाई, वो अफोर्डेबिलिटी नहीं दे पाई, और वही बाहर की जो कंपनियां हैं कम पैसे में कम दाम में इंडियन मार्केट को कैप्चर कर रही। आप बड़ी से बड़ी कंपनी का नाम ले लें या छोटी से छोटी कंपनी का नाम ले लें, आप देखेंगे कि बाहर की कंपनियां सारा सामान बना रही है, इंडिया में आकर खाली असेंबली का काम होता है, इंडिया में खाली आकर के पार्ट्स असेंबल होते हैं, यानी जो प्रोडक्शन वाला काम है वो सब बाहर से हो रहा है, और हमारी इंडस्ट्री चीप इंडस्ट्री है इसलिए यहाँ पर असेंबली का काम होता है, तो पार्ट्स को असेंबल करके बना के बेचा जा रहा है मार्केट के अंदर। कहने का मतलब यह है कि अभी भी हमारे उद्योग क्षेत्र में, तो मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दिया, आप सब क्षेत्रों में देख लीजिए, चाहे आप एविएशन सेक्टर में देख लीजिए, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर देख लीजिए, तो यहाँ पर अधोसंरचना की या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आज भी उद्योग क्षेत्र उतना ग्रो नहीं कर पाया जितना उसको ग्रो करना चाहिए था, और इसकी वजह से जो बेरोजगारी पैदा हो रही है इसको हम लोग कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, और यहाँ पर आप बेरोजगारी की जो परिभाषाएं देखते जा रहे हैं इसमें दो तीन और बेरोजगारी आती है, जैसे शिक्षित बेरोजगारी है ना, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एक शिक्षित व्यक्ति है उसको अपनी योग्यता अनुसार क्या नहीं मिल पा रहा है, जॉब नहीं मिल पा रहा है। एक होता है चक्रीय बेरोजगारी। चक्रीय बेरोजगारी का मतलब है जैसे कोविड, एक लॉकडाउन लगा, फिर थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति ने अपना कोई बिजनेस शुरू किया, फिर दूसरा लॉकडाउन लग गया, फिर उसने अपना बिजनेस बंद किया, दूसरा बिजनेस शुरू किया, ये बार बार चक्र में जब व्यक्ति बेरोजगार होता रहता है इसको कहते हैं हम लोग चक्रीय बेरोजगारी। तो इन सब टर्म्स को आप ध्यान रखेंगे, मैंने कहा मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इन सारी चीजों को आप याद रखेंगे, निर्धनता के दुष्चक्र को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं निर्धनता की, तो निर्धनता और बेरोजगारी आपस में जुड़े हुए हैं। समिति का नाम लिखा हुआ है सी रंगराजन समिति। देखिए दो समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है तेंदुलकर समिति, तेंदुलकर समिति, और एक है रंगराजन समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति, तो ध्यान से सुनेंगे, जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी और रंगराजन समिति थी, ये तेंदुलकर समिति आई थी 2009 में और रंगराजन समिति आई थी 2014 में, अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, और इसने रिपोर्ट दी थी 2011-12 की, कि यदि हम रंगराजन समिति के अनुसार देखें तो 11-12 में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे ग्रामीण शहरी तथा कुल जनसंख्या का अनुपात 21.9% के आसपास था, अप्रोक्सीमेटली 21.9%। तो इस प्रकार का डेटा आपसे पूछ सकता है, लेकिन यहां उससे भी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन दोनों ने, आप देखेंगे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा का निर्धारण किया, पॉवर्टी लाइन का निर्धारण किया। यदि मैं तेंदुलकर समिति की बात करूं तो 816 रुपए प्रति माह पर मंथ, और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति माह, यानी यदि निकाले तो 27.2 के आसपास आएगा ग्रामीण क्षेत्र में और 33.33 के आसपास आएगा शहरी क्षेत्रों में। और रंगराजन समिति ने, क्योंकि ये बाद में आई थी, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा करके 972 रुपए पर मंथ और यहाँ पर 1407 रुपए पर मंथ ये गरीबी रेखा का निर्धारण किया। तो ध्यान रखेंगे तेंदुलकर समिति और रंगराजन समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग अलग गरीबी रेखा इन्होंने निर्धारित की, और यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग कि गरीबी की गणना और बेरोजगारी की गणना की यदि हम लोग बात करें तो गरीबी की जो गणना है या निर्धनता की जो गणना है वो नीति आयोग करता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, और बेरोजगारी की जो गणना है वो हमारे यहां एनएसएसओ करता था। तो एनएसएसओ और सीएसओ को यानी राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय को मिला करके एनएसओ बना दिया गया है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये 2019 में किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे एनएसएसओ और सीएसओ जो दो अलग अलग संस्थाएं थी इसको मिला करके 2019 में एनएसओ बना दिया गया। मैंने आपको राष्ट्रीय आय में भी बताया था, राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ करता है,
और बेरोजगारी की गणना एनएसएसओ करता है। अब ये दोनों मिलकर के एनएसओ बन गई, यानी राष्ट्रीय आय की गणना भी कौन करेगा, एनएसओ करेगा, और बेरोजगारी की गणना भी कौन करेगा, एनएसओ करेगा। अब देखिए बेरोजगारी की दर कैसे ज्ञात की जाती है, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे ज्ञात किया जाता है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, करेंट डेटा अपडेट करते हुए चलेंगे तो करेंट डेटा यदि आपको लिखने आता है या नहीं भी लिखने आता है तो आप अपने क्वेश्चन के अंदर उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की यदि मैं बात करूं तो मान लीजिए कि हमारे यहां जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स यानी श्रम शक्ति जो काम करने के योग्य है, जिसके अंदर योग्यता और क्षमता है, तो आप देखेंगे तो एटलीस्ट 16 ईयर्स का होना चाहिए लेबर फोर्स का हिस्सा बनने के लिए। तो लेबर फोर्स जो है उसमें से कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, यही अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहलाता है। तो कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए लेबर फोर्स में से, तो मान लीजिए कि 1000 लोग 16 साल से ऊपर के हैं जिनके अंदर योग्यता है, क्षमता है, कार्य करने की इच्छा है, इसमें से अनएम्प्लॉयड मान लीजिए 800 लोग अनएम्प्लॉयड रह गए, तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या बनेगा, आप देखेंगे यहां पर अनएम्प्लॉयड का रेट बनेगा 0.8, यानी 0.8 ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। तो इसमें आप समझ जाइए कि 0.8 अनएम्प्लॉयमेंट रेट आता है, कहने का मतलब 1000 में 800 लोग अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है। तो ये सीधी सी बात है कि ये जीरो के जितना करीब रहे उतना ज्यादा बेहतर है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि 200 लोग ही अनएम्प्लॉयड हैं तो कितना आ जाएगा, 1/5 यानी 0.2। तो जीरो के जितना करीब रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया है अर्थव्यवस्था के लिए, और जीरो से जितना दूर रहेगा उतना ज्यादा खराब है अर्थव्यवस्था के लिए। जितना ज्यादा दूर रहेगा मतलब वो ये बताएगा कि उतने ज्यादा लोग भारत में क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, यहां से सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अंतिम में मैं एक वक्र के बारे में चर्चा करता हूं जिसको मैं कहता हूं गिनी गुणांक, ठीक है। तो हम लोग चर्चा करते हैं गिनी गुणांक की। इस कर्व का नाम है लॉरेंज कर्व, लॉरेंज वक्र, और यह दिखाता है आय की असमानता को, यानी इनकम इनइक्वालिटी को। इसमें एक तरफ क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन परसेंटेज है, यानी कुल जनसंख्या जितनी है उसका परसेंटेज अंश, और एक तरफ है क्यूमुलेटिव इनकम परसेंटेज, यानी कुल जनसंख्या का आय का अंश। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि यहां पर 10% जनता है, ये तो 10% आय है, ठीक है, देश की 10% नेशनल इनकम है। ये 20% जनता है देश की, तो ये 20% नेशनल इनकम है। तो ऐसे करते करते चीजें 100% तक जाएंगी, ये 100% लोग, ये 100% इनकम। देखिए इक्वालिटी तो तब है जब 10% लोगों के पास में 10% आय, 20% लोगों के पास में 20%, 30% लोगों के पास में 30%, यानी सीधी रेखा ऐसी बनती है। इसको समानता की रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं, याद रखेंगे समानता की रेखा। ये टोटल आपका 90 डिग्री है ना, इसलिए इसको 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं। तो इसको 45 डिग्री रेखा या 45 डिग्री लाइन भी कहते हैं। अब देखिए इससे जितनी दूरी होगी, इससे जितनी दूरी होगी इस समानता की रेखा से, मान लीजिए इतनी दूरी है, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट केस, और दूसरा केस हो गया मान लीजिए ये, तो ज्यादा असमानता कहां है, जितनी दूरी होगी लाइन से उतनी ज्यादा असमानता होगी। कहने का मतलब ये ज्यादा बड़ी असमानता हमको दिखाई दे रही है और ये कम बड़ी असमानता हमको दिखाई दे रही है। इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, लॉरेंस कर्व। तो लॉरेंस कर्व जितना लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर होगा उतना ज्यादा अर्थव्यवस्था में असमानता होगी, और लाइन से वो जितना पास होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, समानता होगी। इसी में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था गिनी, तो उन्होंने लॉरेंस कर्व का उपयोग करते हुए गिनी गुणांक दे दिया। गिनी गुणांक में उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम ये हरे वाले को ले लेते हैं, ये हरा वाला ए ऑप्शन ए है और शेडेड पोर्शन, और इसके नीचे का जो खाली पोर्शन बचेगा, यानी फिर अपन पीले वाले को नहीं लेंगे, तो इसके नीचे का जो भी खाली पोर्शन बचेगा ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बी। ये खाली पोर्शन है बी, ये शेडेड पोर्शन है ए, तो गिनी गुणांक बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन ए प्लस बी, यानी शेडेड पोर्शन अपॉन टोटल पोर्शन। फॉर एग्जाम्पल यदि ये है ही नहीं, हाइपोथेटिकली अपन मानते हैं ये है ही नहीं, अभी समानता की रेखा पर है सारा मामला, यानी एक भी इनइक्वालिटी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर ए प्लस बी, यानी ए बराबर ए प्लस बी तब होगा जब ये पूरा एरिया कौन कवर कर ले, ए कवर कर ले,
ये पूरा एरिया ए कवर कर ले तो ए बराबर ए प्लस बी होगा, एक कंडीशन तो ये बनेगी। लेकिन मान लीजिए कि ये एरिया है ही नहीं, ये एरिया है ही नहीं, मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा जीरो। तो दो केस बनते हैं, एक तो ए बराबर जीरो और एक ए बराबर ए प्लस बी। तो जब ए बराबर जीरो है तो गिनी गुणांक क्या आ जाएगा जीरो। तो याद रखेंगे समानता की रेखा पर गिनी कोफिशियंट क्या होता है जीरो, और ये इंडिकेट करता है टोटल इक्वेलिटी। यानी उभार है ही नहीं, कर्व है ही नहीं, मतलब पूर्ण समानता है। समानता की रेखा पर गिनी कोफिशियंट बराबर जीरो। जबकि जैसे जैसे यदि इसको पूरा कवर कर ले, कहने का मतलब इतनी ज्यादा असमानता बढ़ जाए कि इतना बड़ा कर्व बन जाए, कहने का मतलब ए बराबर ए प्लस बी हो जाए, तो गिनी कोफिशियंट बराबर क्या हो जाएगा वन, और गिनी कोफिशियंट वन बराबर क्या हो जाता है टोटल इनइक्वालिटी। तो याद रखेंगे गिनी गुणांक जीरो से वन की ओर जब मूव करता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो असमानता बढ़ती है। तो याद रखेंगे आर की असमानता को दिखाने वाला लॉरेंस कर्व है, जिसके अंदर गिनी गुणांक आर की असमानता को दिखाता है। ये आपसे 8 नंबर में या 15 नंबर में भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछ सकता है। तो ध्यान रखेंगे, इसको बढ़िया तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो निर्धनता और बेरोजगारी के कारण यदि आपसे पूछ ले, तो निर्धनता और बेरोजगारी के कारण यदि आपसे पूछ ले तो आप जरूर बताएंगे कि कृषि क्षेत्र में हमारी अत्यधिक निर्भरता, एग्रीकल्चर सेक्टर पर आज भी हमारी 65% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है। उद्योगों के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं पर रिक्वायर्ड ग्रोथ हमको नहीं मिल रही। तीसरी बात, हमारे यहां अधोसंरचना की कमी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, जिसके कारण बेरोजगारी पैदा हो रही है। चौथी बात, मौसम की मार की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ना सिर्फ कृषक की बात तो नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौसमी रोजगार में लगे हुए, मतलब जब मौसम चेंज होता है, जब सीजन चेंज होता है, तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, और वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट उनकी निर्धनता की ओर ले जाती है। फिर आपदा, अचानक आने वाली आपदा, एग्जाम्पल इसका आप दे सकते हैं कोविड। तो कोविड के दौरान आप देखेंगे हमारी इकोनॉमी जो है एकदम से अनस्टेबल हो गई थी, एकदम से टूट गई थी। तो इस प्रकार की यदि कोई आपदा आती है तो फिर यदि हम लोग देखें कृषि क्षेत्र, उससे उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर की बात करें, तो सर्विस सेक्टर में आप देखेंगे कि ग्रोथ तो है पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है। कृषि में इतने सारे लोग हैं लेकिन ग्रोथ नहीं है, सर्विस सेक्टर में ग्रोथ है लेकिन उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं है, क्योंकि यहां काम करने के लिए उद्योग क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में काम करने के लिए स्किल्स की जरूरत है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि हम लोग कौशल विकास के लिए खूब सारी योजनाएं चला रहे हैं। लेकिन सिर्फ योजनाएं चलाने से नहीं होगा, योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से होना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से होना चाहिए। यदि स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तो उनका रिजल्ट मिलना चाहिए, प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि करप्शन, रेड टेपिज्म, जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं, ये सारे कारण हैं गरीबी और बेरोजगारी के, कि सरकार की योजनाओं का यदि सही तरीके तक लाभ नहीं पहुंच पाएगा जनता तक, तो फिर ये निर्धनता और बेरोजगारी को और जन्म देंगे। इसलिए कार्यक्रम तो बहुत सारे चलाए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन उन कार्यक्रमों का रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। तो हमें जरूरत है कि हम सब मिलकर एक ऐसी मजबूत, एक ऐसी सशक्त सरकार चुने जो गरीबी और बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रहार करे और साथ ही साथ हमारी अर्थव्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ करे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।